इस कविता का जो विषय है, वो जो शब्द है, असल में उस पर कविताएं नहीं लिखी जा सकती। दुनिया की किसी भी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो मां पे कविताएं लिख सके। मैं तो बहुत छोटा कलमकार हूं, मैं मां पे क्या कविताएं लिखूंगा। मैंने एक कविता सिर्फ ये लिखी है कि जब मां हमारे पास होती है तब शायद उसके होने का एहसास नहीं होता, जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है, बस मैं ये कहना चाहता हूं। तब आप सुने उस कविता को, एक बहुत छोटी सी कहानी उस कविता के शुरू में कहता हूं। एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं, और जब मृदंग बजाता तो एक बकरी का बच्चा वहां रोज आके खड़ा हो जाता। एक दिन एक सर, ये कैमरे जो भी है बंद कर दें प्लीज, फॉर गॉड सेक। बकरी का बच्चा वहां खड़ा हो जाता आके, तो मृदंग जो बजाता था संगीतकार, उसने उस मेमने से एक दिन पूछ लिया कि यार तुझे क्या मेरा सुर, मेरी ताल, मेरी लय बहुत अच्छी लगती है जो तू रोज यहां चला आता है। वो बोला, मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं, न मुझे सुर की समझ, न ताल की समझ, न लय की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस ढोलक पे, इस मृदंग पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे मां के बदन से आया है। क्या बात है, बहुत अच्छे वाह। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। बहुत अच्छे वाह। मेरी कविता मां के न रहने पे भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है, तब सुनाना चाहता हूं। इस कविता में अगर आपके आंसू बाहर की दुनिया की यात्रा करना चाहे तो रोकिएगा मत, अगर आपको ठीक लगे। जैसा कहता हूं, जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। एक मुनव्वर राणा साहब का शेर उधार लेता हूं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। तब कहता हूं कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा, दो घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा, मां रसोई से बोली होंगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़े और जुड़े तो मुझे बताएं। मन में सोचा, मां रसोई से बोली होंगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा, और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे, जब कोई नहीं होता तब अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। तब कहता हूं, अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा, दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है, कोई कहेगा, गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा। आपने अपने बचपन में देखा होगा, माए हमें टोकती है, यहां मत जा, वहां मत जा, ये मत कर, वो मत कर, तब हम आजाद होना चाहते हैं। और आजादी की कीमत कितनी बड़ी देनी पड़ती है। अगर कम शब्दों में मैंने ठीक बात कह दी हो तो इसका एहसास मुझे जरूर कराइएगा कि सब कुछ है मां, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है, कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। बहुत अच्छे बाबा, बहुत अच्छे बाबा। बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। आप ही की जिंदगी के कुछ दृश्य चुराता हूं ना, आप ही को सौंपता हूं। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। सच कहा साहब, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और मां की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। तब कहना चाहता हूं कि रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ एक पंक्ति जो ईश्वर ने मुझे सौंपी वो मैं आपको सौंपता हूं, कहीं कोई कविता नहीं है, एक बहुत सामान्य सी बात जो बहुत सामान्य ढंग से मैं कह रहा हूं, लेकिन गेट सेट गो जो मैंने किताब लिखी, शायद हिंदुस्तान की पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब वो रही,
14 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। वाह वाह, मैं रोज टीवी पे बोलता हूं, मेरे लाखों लव्स कुर्बान करता हूं सिर्फ उस एक पंक्ति पे जो ईश्वर ने मुझे सौंपी, और कहीं कोई कविता नहीं है, आप ही का भाव आपके उठा को सौंपता हूं और देता हूं, और जिस विश्वास के साथ मैंने लिखा उस विश्वास के साथ आपको देता हूं कि मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे वाह। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां देता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती कभी सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगाकर रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा, बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, फिर पिता की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए वतन छोड़ देगा ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती, सब कुछ है मां सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर मां हमें तेरी बहुत याद आती है। बहुत अच्छा।